आशुतोष सा एलिगेंस क्लिनिक कर रहे हैं। आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए आपने क्यों सिलेक्ट किया? मेरे टेस्ट कम थे और इसके लिए मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी, और मैं जो फील्ड में हूँ वो फील्ड में मुझे मेरी पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी दिखानी थी इसलिए। ओके, डॉक्टर आशुतोष का रेफरेंस आपको कैसे मिला? लोकल पब्लिसिटी से, मतलब ऐसे न्यूज़पेपर से। ओके, आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिली? मैंने मतलब न्यूज़पेपर से ऐसे आप नंबर लिया था डॉक्टर आशुतोष का, और उसमें भार्गव सर का नंबर था जो मैंने उनको कॉल किया था। आपको अपॉइंटमेंट आराम से मिल चुकी थी? हाँ, वैसे आराम से तो मिल गई थी। फिर डॉक्टर आशुतोष के लिए आप जैसे कंसल्ट करने के लिए आए थे, तो कितना टाइम लिया था ब्रेस्ट इम्प्लांट समझने के लिए? 30 से 40 मिनट का लिया था। ओके, आपके मन में जो भी ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए जो भी कुछ डाउट्स थे तो यहाँ पे क्लियर हो चुके थे? यस। ओके, ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए डॉक्टर आशुतोष सा जैसे ट्रीटमेंट के पहले जो भी केयर लेने के लिए सर ने आपको पूरा डिटेल में समझाया था? बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, ये समझने के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर के लिए डेट आराम से मिल चुकी थी? हाँ, अच्छे से मिल गई थी। आप मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट के दिन का माहौल कुछ बता सकते हो? हाँ, उस दिन में थोड़ा बहुत नर्वस हो रही थी, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तब डॉक्टर आशुतोष और उनके जो स्टाफ थे उनका बहुत अच्छा मेरे पे मतलब बिहेवियर रहा। उन्होंने अच्छे से मुझे समझाया, सब बताया, तो वहाँ पे मैं थोड़ी अच्छे से फील कर सकती थी। और फिर मैं वहाँ पे सोई थोड़ी देर, उन लोगों ने मेरे साथ अच्छे से बातें की, फिर मैं बेहोश हो गई थी। ओके, फिर एनएसएस से देखकर आपको तो बेहोश हो गए, सीधे आप रूम में ही जगे हो गए। हाँ, ठीक है। तो उसके दिन, वो दिन की बात करें तो यहाँ क्लिनिक के स्टाफ का आपके लिए केयर कैसी रही थी? बहुत अच्छी थी। वो लोग मुझे बार बार देखने आते थे, पूछते रहते थे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा वगैरह, मतलब अच्छे से उन्होंने मुझे सजेस्ट भी कर रहे थे और केयर कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद मतलब जो भी कुछ और केयर लेने के लिए आपको डॉक्टर आशुतोष ने बताया था? हाँ, बताया था। दूसरे दिन, सर्जरी के दूसरे दिन जैसे आप डिस्चार्ज होके गए, तो यहाँ से क्लिनिक से आपके लिए कुछ कॉल वगैरह आए थे या आप? हाँ, हम लोगों ने ली थी। मैं घर पे पहुंची दूसरे दिन, उन लोगों का कॉल आया था और पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, पेन वेन ऐसा कुछ, अच्छे से मतलब केयर ले रहे थे बार बार कॉल करके। ओके, और जैसे कि आप बात करें कि आप मुझे आपने जो ब्रेस्ट इम्प्लांट बिफोर आफ्टर, पहले आप कैसे मतलब फील कर रहे थे और अभी क्या फील कर रहे हो, आप मुझे बताइए थोड़ा डिटेल में। हाँ, पहले मेरे ब्रेस्ट कम होने की वजह से मुझे थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अभी करवाने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और जो फील्ड में मुझे जो चाहिए था वैसे मैं अच्छे से अभी काम कर रही हूँ। ओके, और जैसे हम बात करें कि सर्जरी से लेकर अभी तक में आपको कुछ ये ब्रेस्ट इम्प्लांट के कारण कुछ साइड इफेक्ट्स या कुछ तकलीफ हुई हो अभी तक, ऐसा आप बता सकते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से मेरा हो गया बस। ओके, और डॉक्टर आशुतोष का एलिगेंस क्लिनिक और यहाँ के स्टाफ का एनवायरनमेंट, नेचर वगैरह कैसा बता सकते हो मुझे? डॉक्टर आशुतोष का तो बहुत ही अच्छा नेचर वाइज बहुत अच्छे है, बस उनका तो है ही अच्छा, लेकिन बट उनके स्टाफ का भी बहुत अच्छा है। ओके, और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। ओके, डॉक्टर आशुतोष साहब, वैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट के अलावा भी हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट सर्जरी और बहुत सारे लेजर थेरापी भी यहाँ पे देते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी ग्रुप में या किसी कलीग को ये कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ, जरूर, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बताऊंगी।
कहूंगी अगर किसी को करवाना हो तो आप डॉक्टर आशुतोष के पास जा सकते हो, बहुत अच्छे से वो करके देंगे। ओके वैसे डॉक्टर आशुतोष सा एलिगेंस टीम और क्लिनिक को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? मैं तो पूरा 5 स्टार ही देना चाहूंगी। ओके ओके थैंक यू।